जनपद शाहजहांपुर में गैस रिफिलिंग का धंधा जोरों पर है, लेकिन जिला प्रशासन अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रहा है। गैस रिफिलिंग की वजह से वाहन स्वामी लोगों की जान जोखिम में डालने से बाज नहीं आ रहे। ताजा मामला शाहजहांपुर के कस्बा पुवाया में प्रकाश में आया, जहां गैस रिफिलिंग करवाते हुए एक वैन में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते वैन स्वाहा हो गई। आग की लपटें देखकर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। यही नहीं, शाहजहांपुर के कस्बा जलालाबाद में स्कूली बच्चों की जान को जोखिम में डालकर एक स्कूल वैन का ड्राइवर गैस सिलेंडर लगी हुई वैन में वेल्डिंग कराता हुआ नजर आया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जब इस बात पर RTO से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मामला संज्ञान में आया है, इसे गंभीरता से लेते हुए कार्यवाही की जाएगी। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये हमें जानकारी थी नहीं कि उसमें कोई कमी है, यहाँ से गाड़ी गई बिल्कुल सही कंडीशन में गई, गाड़ी सही थी। सर अगर कोई हादसा बाय चांस गैस बिल्डिंग के टाइम हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? नहीं, वो हमें जानकारी हुई थी, अब आपने बताया हमें जानकारी हुई है, हम इसको लाइक चल लेंगे तुरंत। सर इससे पहले भी ये होता रहा है? नहीं, इससे पहले नहीं कभी गाड़ी बच्चे बैठने, अगर कभी कोई दिक्कत आई भी तो वो स्कूल से पहले जाके, जिस पर छुट्टी होने वाली है उसमें बच्चे आ गए स्कूल टाइम से, कोई दिन गाड़ी यहाँ फ्री है कोई।